एक मुलाकात की थी हुर रहमान ने उसने ना, उस एक मुलाकात में हुर ने खुद को जन्नती बना दिया। ये अक्लमंद बंदे का काम होता है जो अपने वक्त से बेहतरीन फायदा हासिल करता है, वरना वक्त रोकता नहीं है, वक्त चलता रहता है। यह आपका काम है, आप लोग तमाश कर रहे थे कि हजरत की जिंदगी के तीन पहलू हैं। एक पहलू कि उनके करामात, उनके मौजदात, उनकी फजीलतें। अब बंदा अगर मोनाली की तरह साहिब मौजदा बनना चाहिए, नहीं हो सकता। उनका इलम लदुन्नी है, वो किसी उस्ताद से नहीं पढ़ते, एक इमाम दूसरे इमाम से पढ़ लेता है, लेकिन हमारी तरह स्कूलों में मदरसों में नहीं इल्म हासिल करते, हम इल्म लदुन्नी की मंजिल पे नहीं आ सकते। दूसरा, उनका कल्चर कैसा था, उनका माहौल कैसा था, उनका रहन सहन कैसा था कि एक शख्स छपे वहां पर भी एतराज करता है ना कि आपका लिबास वो नहीं जो आपके बाबा अली का लिबास था। तो इमाम ने मुस्कुरा कर कहा कि मेरा जमाना भी वो नहीं जो मेरे बाबा अली का जमाना था। तो बाबा अपने जमाने से लिबास पहनते थे, मैं अपने जमाने के हिसाब से लिबास पहने। तीसरी चीज जो मेरी और आपकी जिंदगी के काम की है, वो हजरत की जिंदगी गुजारने के उसूल। वाकया असल क्या था कि इमाम हुसैन यजीद के मुकाबले में गए, वो कौन सी वजह थी कि इमाम हुसैन मदीने से निकलकर करबला की सरजमी तक आते हैं? जब वाकया वो उसूल मेरी जिंदगी में है कि नहीं? जब तक असल को नहीं अपनाओगे, तब तक जिंदगी आबाद नहीं होती।